वेलकम बैक टू माय ड्रीम टेक्निकल सर्विस में आप सबका स्वागत है। इन्वर्टर एसी के लिए तो ईयर कॉड H-11, तो H-11 आने से आप कैसे उसका चेक कर सकते हो, चेकिंग प्रोसेस क्या है? तो जैसे H-11 आपका मशीन में दिखाए तो रिमोट का चेकिंग ऑप्शन बटन है, उसमें 5 सेकंड आप प्रेस करके रखिए, फिर उसके बाद 200 आएगा, उसके बाद अप एंड डाउन एरो से आप अप एंड डाउन कीजिए, उसके बाद जिस बीप से आपका H-11 आ जाएगा कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आउटडोर टू इंडोर जो वायर है उसको चेक कीजिए, कहीं पर कनेक्शन गलत हुआ क्या, वायर में कोई जॉइंट है क्या, तो जॉइंट की वजह से बहुत टाइम लाइन ब्रेक करता है, उसके कारण पीसीबी जल जाता है, उसके अलावा भी हाई वोल्टेज आने से पीसीबी जलता है। फिर इंडोर प्लग का भी देखना होगा, उस पर इंस्टॉलर रहा कोई गलती किया क्या नहीं, उधर पॉइंट ठीक है क्या नहीं, और चेकिंग करेंगे उसके बाद आप H-11 वायर चेंज करिए पहले, नहीं होगा तो उससे तो फिर नेक्स्ट आप पीसीबी आउटडोर जो पीसीबी है उसको रिप्लेस कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है H-11 वो सॉल्व हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू, व्हाट्सअप।